हेलो, दिस इज दीक्षा नामदेव। वेलकम टू ट्यूशन क्लासेस। आज है इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आप यहां देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेटर शी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मीन्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कोई एक क्रिकेट कोच, क्रिकेट टीम का कोई कोच है, वो क्या करता है 7 बैट एंड 6 बॉल्स लेता है, तो कितने रुपए खर्च हो जाते हैं 3800, यानी कि 3800 रुपये खर्च होते हैं। बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल्स और लेते हैं, जो कितने की आती हैं 1750, यानी कि 1750 रुपये की आती है। एक बैट और एक बॉल का प्राइस कितना है वो हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले हम यहाँ इस तरह से एज्यूम कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू हमने कितना मान लिया है एक्स रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू हमने कितना मान लिया है वाई रुपीज़ मान लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम अरेंज करते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि क्या करते हैं 7 बैट्स लेते हैं एंड 6 बॉल्स लेते हैं तो कितने रुपीज़ खर्च हो रहे हैं हमारे पास 3800। ओके, एंड नेक्स्ट आगे जो कंडीशन दी है उसमें क्या कहा गया है 5 बॉल्स ले रहे हैं और 3 बैट्स ले रहे हैं तो कितने रुपीज़ खर्च हो रहे हैं 1750 रुपीज़। ओके, इस तरह से अरेंज करेंगे तो 7 बैट और बैट की वैल्यू कितनी है एक्स रुपीज़ है, प्लस बॉल कितनी ली गई है फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास 6, और ईच बॉल का प्राइस वाई है तो 6 का कितना हो जाएगा 6y, इक्वल में कितने पैसे खर्च हो गए हैं 3800। ओके, ऐसे ही सेकंड नंबर इक्वेशन हम बना लेते हैं, 3 बैट ईच बैट एक्स रुपीज़ है तो 3 में हम एक्स का गुणा करेंगे तभी हमें टोटल प्राइस मिलेगा। ओके, इसी तरह से बॉल हम निकाल लेते हैं तो कितना मिल जाएगा 5y, इक्वल में रुपीज़ कितने बताएं 7500। आप इस तरह से ही करते हैं ना, जैसे यदि आपसे कहा जाए कि कोई एक चॉकलेट है, ओके एक कोई चॉकलेट है वो कितने रुपीज़ की है 5 रुपीज़ की है, तो इस तरीके की यदि आपको 15 टॉफ़ीज़ या चॉकलेट्स लेने के लिए कहा जाए तो वो कितने की होंगी, तो जो कॉस्ट है आप उसी का मल्टीप्लाई करेंगे ना जितना आपके पास आइटम्स हैं, तो इस तरह से 15x5 करने पे आपको कितना मिल गया 45। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें बैट और बॉल का प्राइस नहीं पता है तो हमने इस 5 की जगह पर हमने यानी कि बैट और बॉल का जो प्राइस है उसको हमने क्या मान लिया, एक को हमने मान लिया एक्स और एक को मान लिया है वाई। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो बैट है उसकी प्राइस को कितना मान लिया है एक्स, और जो बॉल है हमारे पास उसके प्राइस को हमने कितना मान लिया है वाई मान लिया है। तो पहले कंडीशन में कितनी थी 7 बैट थे एंड 6 बॉल्स थी, और यहाँ पे क्या था 3 बैट्स और 5 बॉल्स। तो इस तरह से यहाँ पे इक्वेशन हमें मिल गई है, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये हमें मिली है इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब हम इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है हमें यहाँ पे, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 में हमसे कहा गया है कि सभी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करता है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, मैंने ऑल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इस पर भी वीडियो बनाया है, और साथ साथ एक्सरसाइज 3.3 को जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वहाँ भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है उससे अच्छी तरह से समझा था। तो चलिए हम उसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, एक किसी इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करके सेकेंड वाले इक्वेशन में रख देना होता है। तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना है हमारे पास 3800 है। ओके, तो यहाँ से 7x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3800 माइनस 6y। एक्स की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y, और ये जो मल्टीप्लाई है चला जाएगा अपॉन में। तो अभी जो x की वैल्यू मिली है हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। ओके, पुटिंग इस तरह से लिख देंगे, नाउ वी सब्सिट्यूट भी आप लिख सकते हैं, नाउ वी सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी 3x प्लस 5y इक्वल में था हमारे पास 1750। ओके, 3x के प्लेस में हम रखेंगे 3800 माइनस 6y और अपॉन में कितना है 7 प्लस 5y इक्वल में कितना है हमारे पास 1750। ओके, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई हम अंदर कर देते हैं तो 0 0, 3 8 से कितना होता है 24, 4 2 कह रहा जाएगा 3 3 9 और 2 कितना हो गया हमारे पास 11, माइनस 6 3 से कितना होता है 18y प्लस 5y इक्वल में कितना 1750। सेम लेके हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, 7 एंड 12 कैल्शियम लेने पे कितना आया है 7 आया है, ये एज इट इज सेम रहेगा, एंड 5 7 से 35। अभी जो 7 डिवाइड में है वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, तो 11400 को हमने वैसे ही लिख लिया है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 35y में से जब 18y माइनस होंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 17y मिल जाएगा, और बड़ी डिजिट का हम यहाँ पे साइन लगा देंगे 1750 × 7 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 12250। ओके, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 17y,
ये जो प्लस में है ये यहाँ जाके क्या क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इजी कर लेते हैं अब हम इन्हें दोनों को, जब हम माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 850, और ये जो 17 मल्टीप्लाई हमें डिवाइड में चला जाएगा, 17 5 85 होता है, तो इस तरह से हमें कितना मिल गया है यहाँ पे 50 मिल गया है। अब वाई की वैल्यू को पुट करके हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिला था, एक्स इक्वल टू मिला था 3800 माइनस 6y अपॉन में कितना था 7। ओके, तो इस वैल्यू को सब्सिट्यूट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6 एंड y के प्लेस में हम कितना रख देंगे 50 रख देंगे, अपॉन में कितना है 7 है। इजी करते हैं, 6 5 30 एंड 0 एज इट इज सेम रहेगा। माइनस करेंगे 3800 में से जब 300 जाएगा तो हमें कितना मिल जाएगा 3500 मिल जाएगा। कट करेंगे 7 5 कितना होता है 35 और 20 एज इट इज सेम रहेंगे। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 500 मिल गया। आप देख सकते हैं जो बैट जिसको हमने कितना माना था, कॉस्ट एक्स रुपीज़ माना था, वो कितना आ गया 500, एंड जो बॉल हमने माना था वाई वो कितना आ गया 50 रुपीज़ आ गया। तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू कितना है 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू कितना मिल गया 50 रुपीज़। आई होप बैट एंड बॉल के प्राइस हमें किस तरह से निकालना है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। वाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। इस यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई एक सिटी है वहाँ पर क्या है, टैक्सी का जो चार्ज है वो ऑलरेडी फिक्स है। ओके, यानी आप टैक्सी बुक करते हैं तो एक नियत चार्ज जो होता है वो तो आपको लगना ही है, और साथ ही साथ पर किलोमीटर के हिसाब से भी टैक्सी का चार्ज लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी फिक्स चार्ज है, क्या है फिक्स चार्ज है उसे मान लेते हैं। तो फिक्स चार्ज इक्वल टू यदि हम मान लेते हैं एक्स रुपीज़, और पर किलोमीटर के हिसाब से लगने वाले चार्ज को हम क्या मान लेते हैं वाई रुपीज़ मान लेते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, हम क्या करते हैं, लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू क्या मान लेते हैं रुपीज़ एक्स एंड चार्ज फॉर एवरी किलोमीटर इक्वल टू कितना मान लेते हैं रुपीज़ वाई मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसे लिख सकते हैं। ओके, सो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एक फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर यदि चलती है तो कितने रुपीस खर्च हो रहे हैं 105। आप इक्वेशन को समझने की कोशिश करें, एक फिक्स चार्ज हमने लिख लिया तो वो कितना है एक्स रुपीस है, और फिर कितना चला है 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है व्यक्ति ने, तो पर किलोमीटर के हिसाब से कितना खर्च हो रहा है वाई रुपीस। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना खर्च हो जाएगा 10 into y। ओके, तो टोटल मिला के कितना खर्च हो जाएगा 105। ऐसे सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया है, जो फिक्स चार्ज है वो तो लगना है, साथ में कितना गया है वो व्यक्ति 15 किलोमीटर और गया है, तो पर किलोमीटर का जो प्राइस है वो कितना है y, तो 15 का कितना हो जाएगा 15 into y, तो कितने पैसे खर्च हो जा रहे हैं 155। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हमें मिल गई है इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को निकाल के सेकेंड वाली वैल्यू में सब्सिट्यूट कर देते हैं। ओके, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से दैट इक्वल टू 105 माइनस 10y, क्योंकि 10y प्लस का है, साइड चेंज रुपये का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, सो x के प्लेस पे हम क्या करते हैं, रख देते हैं 105 माइनस 10y प्लस के 15y को हम एज इट इज सेम लिख देंगे, एंड इक्वल में कितना है 155 है। इजी कर लेते हैं, 10y और 15y प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 15 में से जब 10y जाएंगे तो कितना मिल जाएगा 5y हमें मिल जाएगा, और बड़े डिजिट का हम साइन रहने देंगे यानी कि प्लस 155। अब ये 105 जो है वो क्या है, प्लस की वैल्यू है, साइड चेंज होने पर काय की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो इस तरह से 5y इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 5 में से 5 जाएंगे 0, 5 एज इट इज सेम रहेगा, 1 में से 1 जाने पर 0, यानी कि कितना मिल गया है 50। ओके, y की वैल्यू हम निकालेंगे, सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 बाय 5,
यानी कि कितना मिल गया हमें 10 मिल गया है। ओके, यानी कि पर किलोमीटर जो हमने कितना माना था, 12 रुपीज़ माना था, तो वो चार्ज कितना मिल गया है, 10 रुपीज़ हमें मिल गया है। और यदि हम क्या करें, फिक्स चार्ज की बात करें, तो यहाँ वाले इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। जो वाई की वैल्यू हमें 10 मिली है, हम उसको यहाँ पर रख देते हैं। ओके, सॉल्व करके देख लेते हैं कितना मिल जाएगा, 105 माइनस 10, वाई के प्लेस पर रख देंगे हम 10। ओके, इजी करेंगे 105 और ये कितना हो जाएगा, 10 × 100। तो 105 और 100 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलना है, 5 रुपीज़ मिल जाना है। तो फिक्स चार्ज कितना आ गया है, रुपीज़ 5, एंड जो हमारे पास पर किलोमीटर का चार्ज है वो कितना मिल गया, हमें 10 रुपीज़ मिल गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एंड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में हमें आगे एक और सिचुएशन दी हुई है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स, मीन्स 25 किलोमीटर यदि कोई व्यक्ति जाता है तो फिर कितना खर्चा आ रहा है वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें फिक्स चार्ज मिला है उसे लिख देते हैं। फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू हमें कितना मिल गया है, x हमने माना था जो कि आ गया है 5 रुपीज़, एंड पर किलोमीटर के हिसाब से पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू हमने कितना माना था, y, जो कि कितना आ गया है, 10 रुपीज़ आ गया। अब व्यक्ति को जाना कितना है, क्वेश्चन में पूछा गया है 25 किलोमीटर जाना है। सो हम क्या करेंगे, टू ट्रैवल, आप इस तरह से स्टेटमेंट जरूर लिखा करें, टू ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर पर्सन विल हैव टू पे, विल, ये क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं। ओके, पे, अब कितना पे करना पड़ेगा, फिक्स चार्ज जो लग रहा है वो तो पे करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ 25 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से भी पे करना पड़ेगा। तो x फिक्स चार्ज कितना हमारे पास, 5 रुपीज़ था, एंड 25 इंटू वाई के प्लेस में हम कितना रख देंगे, 10 रख देंगे। इजी कर लेते हैं, यहाँ कितना जाएगा हमें, 250 मिल जाएगा। ओके, यानी कि आंसर कितना आ गया है, 255 रुपीज़। आई होप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और साथ साथ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।